मुख्यमंत्री जी, हस्तिनापुर के गुलामों को आपने जिस तरह से आदेश देकर 20,000 से ज्यादा पुलिस को लगाया, कई दर्जन कैमरे लगवाए, हर नेता के पीछे कैमरा लगा था, हम पर जिस तरह से लाठियां आपने बरसाया, जानलेवा हमला किया, आपने हमारे कार्यकर्ता को किस तरह से लाठी बरसाया है उसकी निशानी शरीर पर अभी भी मौजूद है। कई लोगों को ब्रेन पर हमला हुआ, कई लोगों का लहू बहा है, हमारे जिला अध्यक्ष को हमारे किसान मोर्चा के विपिन जी का लहू बहा है, जो पेपर में भी आया है। आज हमारा विजय सिंह का हत्या आपने कर दिया, आज मिर्ची पाउडर आपके कैमरे में कैद क्यों नहीं हुआ, क्यों झूठा बयान दे रहे हैं, और इस तरह से आपने जानलेवा हमला कर करके जो जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील आपने कर दिया, लोगों के मन के अंदर भय पैदा करने का, आपके भ्रष्टाचार अपराध के विरुद्ध कोई बोल न सके, वो अघोषित आपातकाल लगा दिया है। आप हस्तिनापुर के गुलाम को जिस तरह से निर्देश दिए अपने धृतराष्ट्र बन करके, अपने दुर्योधन को बड़े भाई छोटे भाई मिल करके बैठाने के लिए गद्दी पर, आप बिहार के अंदर उन्माद पैदा करके महाभारत कराना चाहते हैं। महाभारत अब होगी भ्रष्टाचार अपराध के विरुद्ध, महाभारत होगी आपके भ्रष्टाचारी वंशवाद के विरुद्ध, और बिहार की जनता, ये लोकतंत्र की धरती है, कभी आपको माफ नहीं करेगा। आप पूरे उच्च स्तरीय जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। आप बरगलाने का खेल बंद करिए, और तानाशाही हिटलरशाही प्रवृत्ति नहीं चलेगी। ये लोकतंत्र की धरती है, ये लोकतंत्र की धरती लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अधूरे सपने को आप अपने बूटों से रौंद रहे हैं। आप उनके सपनों के साथ, उनके सिद्धांत के साथ गद्दारी किए हैं। बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी, इसकी सजा बिहार की जनता देगी। केस मुकदमा से डरने वाले नहीं है। अरे ज्वेल भेजो, गोली मारो, लेकिन अपने भावी पीढ़ी के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे। आप शैक्षणिक वातावरण खराब कर दिया, आप अराजकता भ्रष्टाचार अपराध के कारण दर्जनों लोग मारे जाते हैं। ये माहौल बिहार के अंदर बंद होनी चाहिए। सत्ता में रहने का आपका कोई अधिकार नहीं है। इस शासन को बिना हटाए हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई अब गांव के गलियों तक जाएगी, और आप जैसे अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी जो बात बिहार के वातावरण में माहौल खराब कर रहे हैं, इसके विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।